छिंदवाड़ा के तामिया में लाखों रुपए से बने कृषि विभाग के भवन में 6 माह के अंदर ही पानी टपकने लगा। भवन में लगी टाइल्स उखड़ने लगी हैं। विभाग के कर्मचारी भवन में डर के साए में कार्य करने को मजबूर हैं। तामिया में कृषि विभाग के लिए शासन ने मंडी बोर्ड योजना से 38 लाख रुपए के भवन का निर्माण करवाया। भवन का निर्माण तो हो गया, पर 6 माह के भीतर ही भवन की छत से पानी टपकने लगा। भवन की टाइल्स टूटने लगी, जिससे नए भवन में कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारी पुराने भवन में ही कार्य करने को मजबूर हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुराना भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कर्मचारी पॉलीथीन लगाकर बरसात के दौरान कार्य करने के लिए मजबूर हैं। कर्मचारियों में भवन के क्षतिग्रस्त होने का भय बना रहता है। भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आ रही हैं। इसके बावजूद कृषि विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। जब भी बरसात होती है तो लगातार पूरी छत जो है फुल टपकती है। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सारे कपड़ों में पानी गिरता है। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।